हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज। यह सेट बी का अभ्यास 4 है। इस तरह के 15 से 16 सेट हैं, जिसमें से प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं। 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन है दोस्तों। पूरा डेली बेसिस पर आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपने थ्योरी सेशन में अपने नोट्स से पढ़ा है या मेरे वीडियोज थ्योरी सेशन वाले से पढ़ा है, तो फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UP TGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MP TET हो, चाहे अदर स्टेट का PGT PGT हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज दिए गए हैं। एंड उन सभी टॉपिक्स के चैप्टर वाइज MCQs भी दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर MCQs भी हल कराए गए हैं एंड वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपके लिए अपना स्कोर चेक करने के लिए प्रैक्टिस करा रही हूँ, और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अपना स्कोर आप चेक कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन है किन्सियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है। दोस्तों, किन्सियोलॉजी किन्सिस धन लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो किन्सिस का अर्थ होता है गति, लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। यानी किन्सियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है गति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्सियोलॉजी का जनक कौन है। तो किन्सियोलॉजी का जनक है यानी पिता है अरस्तु। नेक्स्ट है किन्सियोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो किन्सियोलॉजी लॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किन्सियोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्सिस शब्द का अर्थ है। तो किन्सिस प्लस लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है किन्सियोलॉजी। किन्सिस का अर्थ है गति और लॉजी का अर्थ है विज्ञान यानी गति विज्ञान। तो किन्सिस शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, गति। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अंग संचालन का वैज्ञानिक अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है। तो अंग संचालन यानी कि हमारे अंग कैसे कार्य करते हैं, कैसे गति करते हैं, कैसे किस मोड़ पे मुड़ते हैं, कितना एंगल पर हमको गोला फेंकना है, भाला फेंकना है, किस एंगल से दौड़ते समय हमको मुड़ना है, ये सभी चीज़ें अंग संचालन की जो भी गतियां हैं उन सब के बारे में हम उत्तोलक के बारे में और न्यूटन्स लॉ सब के बारे में पढ़ते हैं किन्सियोलॉजी में। किस में? किन्सियोलॉजी में। इसलिए इसको बोला जाता है गति विज्ञान। नेक्स्ट है तरल पदार्थों में समतलता का सिद्धांत किसने किया। यानी जो उत्प्लावन बल का सिद्धांत था दोस्तों, कि कोई वस्तु पानी में क्यों तैरता है, उत्प्लावन बल यानी कितने भी तरल पदार्थ है उसमें समतलता का जो उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, तो उसको दिया था आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है किस खिलाड़ियों की टीम का पहला चिकित्सक कौन था। किसी खिलाड़ियों की टीम का पहला चिकित्सक कौन था। तो दोस्तों, खिलाड़ियों की टीम का पहला चिकित्सक था गैले। जैसे कि चिकित्सा शास्त्र की पितामह हिप्पोक्रेटस है, यहाँ पे आपको पूछा है कि किसी खिलाड़ियों की टीम का पहला चिकित्सक कौन है, तो है गैले। नेक्स्ट है मांसपेशियों के बारे में जानकारी किसने दी। तो दोस्तों, मांसपेशियों के बारे में जानकारी दिया गैलेन एवं विंसी ने। गैलेन जो था वो रोम काल में, रोम में एक दर्शन शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी था। अब गैलेन ने ही आहार तथा अभ्यास का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर विशेष ध्यान दिया था। और गैलेन जो है एक दर्शन शास्त्री भी थे, जो सारी क्रियाओं के दौरान सबसे पहले पल्स की गणना किया। यानी मांसपेशियों के बारे मांसपेशियां कैसे कार्य करती है इन्होंने बताया। अब व्यायाम चिकित्सा संसार में जो है गैलेन की ही देन है। इन्होंने गैलेन ने विभिन्न शारीरिक अंगों की अनुशंसा को 3 भागों में बांटा। पहला पेशी तान विकसित करने वाली व्यायाम प्रक्रिया यानी पेशियों को विकसित करने वाली। दूसरा दुरंतगामी व्यायाम यानी कि जो मोटर स्किल होती है। एंड
इसका कठोर परिश्रम पूर्व व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन यह किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि मानव शरीर में जो अस्थियां हैं, लंबी अस्थियां हैं, वो उत्तोलक का काम करती हैं। तो इसको सबसे पहले सिद्ध किसने किया था, तो अल्फोंसी बारेली ने इसको सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी शारीरिक शिक्षा के परिभाषा वाला जब वीडियो देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप परिभाषा देखते ही आंसर दे दिए होंगे। तो इस परिभाषा को दिया है आर कैसिडी ने, ठीक है, रोजालैन कैसिडी ने, जहाँ भी भीतरी अनुभव के साथ व्यक्ति विशेष परिवर्तन शब्द आए वहाँ जान लीजिएगा रोजालैन कैसिडी का वो परिभाषा है। नेक्स्ट है, बायोमैकेनिक्स विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, बायोमैकेनिक्स इसमें हो जाएगा कि जो उपकरण है वो उपकरण का हम अपने शरीर के अंगों से कैसे यूज करते हैं, जैसे किन्सियोलॉजी गति विज्ञान, बायोमैकेनिक्स हो गया कि उपकरण हमारे शरीर के अंगों द्वारा कैसे किस यूज किए जाते हैं। तो यह बायोमैकेनिक्स जो होता है यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए हैं? आप सबको पता है न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए हैं। फर्स्ट नियम जड़ता का नियम, जिसे जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। एंड दूसरा दिया है त्वरण का नियम या संवेग का नियम, इसको हम लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जानते हैं। तीसरा दिया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स या लॉ ऑफ रेसिप्रिकल एक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह न्यूटन के 3 जो लॉ दिए हैं गति के, उसमें से प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, तो किसने दिया है? न्यूटन ने। नेक्स्ट है, वेग परिवर्तन की दर का नियम है? तो दोस्तों, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है त्वरण का नियम, संवेग का नियम यानी एक्सीलरेशन या मोमेंटम का नियम, तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं त्वरण। तो यहाँ पे आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ हो जाएगा, गति का द्वितीय नियम। नेक्स्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो क्रिया प्रतिक्रिया जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो आइजैक न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है, किस विज्ञान में मानव शरीर को जीवित मशीन कहा गया है? तो दोस्तों, किस विज्ञान में मानव शरीर को जीवित मशीन कहा गया है? तो किन्सियोलॉजी में, ठीक है, जैसे मशीन देखते हैं कार्य करता है, उसी तरह हमारा शरीर कार्य करता है, तो इस बात को कहा गया है किन्सियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में तीसरे स्थान पर 2 खिलाड़ी होते हैं और दोनों खिलाड़ियों को भी ओलंपिक में पदक मिलते हैं? तो कौन सा वो खेल है? बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती, जूडो, ये 3 गेम हैं, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सिस के प्रकार होते हैं, एक्सिस यानी अक्ष, अक्ष 3 प्रकार का होता है, अक्ष 3 प्रकार का होता है, फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। वहीं पे जब आपको पूछेगा प्लेन यानी कि तल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार का होता है, प्लेन एंड एक्सिस दोनों 3 प्रकार के होते हैं। जो प्लेन यानी तल होता है वो सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो थ्योरी सेशन वाला वीडियो देख लीजिए, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट है, काल्पनिक जो क्षितिजय तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को काट दी है वो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यानी कि एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये शरीर को क्या करता है? शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटती है और इसी को काटती है हॉरिजॉन्टल प्लेन को
ये आपका प्लेन है, यानी कि प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन यानी तल, ये तल है, और ये आपका एक काट रहा है आपका एक्सिस, ये है आपका अक्ष यानी कि एक्सिस। तो यहाँ भी क्वेश्चन क्या पूछा है कि काल्पनिक जो क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है दोस्तों, वह कहलाती है वर्टिकल एक्सिस। क्या कहलाती है, वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट है एक काल्पनिक रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर होती ओर जाती है क्या कहलाती है, तो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगी इस तरीके से तो वो कैसी होगी, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है ये बताइए, तो यह क्या हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट है न्यूटन का समय कब से कब तक था, तो दोस्तों जो न्यूटन का समय है वह 1642 से 1727 तक है, कितना 1642 से 1727 तक। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि न्यूटन ने गति के तीन नियमों का प्रकाशन कब किया और किस पुस्तक में किया, तो इन्होंने अपनी गति के तीन नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया। नेक्स्ट है न्यूटन के नियम कौन से हैं, ऑप्शन है जड़त्व का नियम, गति मात्रा का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जड़त्व का नियम फर्स्ट लॉ है, गति मात्रा यानी त्वरण यानी संवेग का नियम सेकेंड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थर्ड लॉ है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विद्वान ने हिप्पोक्रेट्स की चिकित्सकीय विधियों को पुनः जीवित किया, जो जैसे कि चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं हिप्पोक्रेट्स, तो इनकी जो चिकित्सा विधियाँ हैं इनको पुनः किसने जीवित किया, तो क्लाडियस गेलन ने जीवित किया जो रोम के थे। नेक्स्ट है खिलाड़ियों की गति कैसे जांची जाती है, तो खिलाड़ियों की गति दोस्तों सिनेमेटोग्राफी से मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा, खिलाड़ियों की गति कैसे जांची जाती है, सिनेमेटोग्राफी से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति के कितने प्रकार हैं, तो शक्ति के तीन प्रकार हैं, अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, शक्ति सांद्रता यानी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। नेक्स्ट है अधिकतम शक्ति को विकसित करने की कितनी विधियां हैं, अधिकतम शक्ति को विकसित करने की कितनी विधियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया है चार। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधे पूछा है शक्ति को विकसित करने की कितनी विधियां हैं, तो तीन विधियां होती हैं आपकी आपकी आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। नेक्स्ट है विस्फोटक शक्ति को विकसित, विस्फोटक शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो विस्फोटक शक्ति तीन प्रकार की होती है। नेक्स्ट है सहनशीलता शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो जो सहनशीलता शक्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, एरोबिक एनारोबिक। नेक्स्ट है मैरी कॉम को क्या कहा जाता है, जैसा कि मैरी कॉम एक बॉक्सर है और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक भी जीती है, एंड इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है मैग्नीफिसेंट मैरी। ठीक है, मैग्नीफिसेंट मैरी भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय की बाहरी खोल को क्या कहते हैं, तो पेरिटोनियम कहते हैं। नेक्स्ट है संबंधित शक्ति का अर्थ है, संबंधित शक्ति का अर्थ है शरीर और
भार के संदर्भ में सकती। नेक्स्ट है सहनशीलता का अर्थ है, तो सहनशीलता का नाम जहां भी आएगा वहां दो पॉइंट देखिएगा, लंबे समय का क्रिया हो और थकान भी हो, दोनों शब्द जहां पे मिले आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है कि किसी कार्य को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करना ही कहलाता है सहनशीलता यानी एंड्योरेंस। नेक्स्ट है अक्रियाशील लचीलापन होता है, जैसे कि जो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है दो प्रकार का होता है, स्टैटिक डायनेमिक एक्टिव पेशी होता है यानी क्रियाशील अक्रियाशील। अक्रियाशील लचीलापन जो होता है वह क्रियाशील लचीलापन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय योग्यता के उदाहरण है, संतुलन योग्यता यानी बैलेंस एबिलिटी, युग्मन योग्यता, क्यूबलिंग एबिलिटी, प्रतिक्रियात्मक योग्यता, डिसीजन एबिलिटी, ये सभी क्या है समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के उदाहरण है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को सात भागों में बांटा गया है, इसका मैंने ट्रिक बताया है ए बी सी डी आर आर ओ, ठीक है, ए बी सी डी आर आर ओ, ठीक है, यानी कि ए से एडाप्टेशन एबिलिटी यानी अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस एबिलिटी यानी कि संतुलन योग्यता, सी से क्यूपिंग एबिलिटी यानी कि युग्मन योग्यता, डी से डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी यानी पृथककरण योग्यता, आर से रिदमिक एबिलिटी यानी लयात्मक योग्यता, आर से रिएक्शन एबिलिटी प्रतिक्रियात्मक योग्यता, ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी निर्धारण योग्यता। इस सात प्रकार के आपके समन्वय योग्यता कोऑर्डिनेशन एबिलिटी हैं। नेक्स्ट है समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बढ़ाने के निम्न विधियां हैं, तो ऑप्शन है शारीरिक व्यायाम, थकान की स्थिति में व्यायाम, अभ्यास, व्यायाम परिवर्तन, तो ये सभी आपको कोऑर्डिनेशन एबिलिटी समन्वय योग्यता को बढ़ाने की विधियां हैं। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, क्या है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, ऑप्शन है मांसपेशियों द्वारा शिक्षा, ड्रिल एवं खेलों द्वारा शिक्षा, शरीर को माध्यम बनाकर शिक्षा, तो ये सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पुनः स्थापन का अर्थ है, पुनः स्थापन का क्या अर्थ है, पुनः स्थापन यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो होता है, पुनर्वास जो होता है यानी कि चोट लगने के बाद पुनः पहले वाले स्थिति में आना यानी दोबारा फिर खेलना स्टार्ट कर देना ठीक होकर के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चोट के बाद दोबारा खेलना। नेक्स्ट है डोपिंग का अर्थ है, ऑप्शन है उपलब्धि में वृद्धि, शारीरिक क्षमता बढ़ाना, शरीर में बाहरी वस्तुओं का प्रवेश, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। डोपिंग वो चीज होता है कि वह बाहरी पदार्थ या मादक पदार्थ या प्रतिबंधित पदार्थ जिसका सेवन करके खिलाड़ी अपनी क्षमता को बढ़ा करके प्रतियोगिता करते हैं वो आपका डोपिंग में आता है, जैसे एम्फिटामाइन, एनाबोलिक स्टेरॉयड एंड ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ईपीओ, रक्त डोपिंग, ये सभी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से चार सिरों वाली मांसपेशी कौन सी है दोस्तों, तो चतुश्शिरस को बोला जाता है आपका क्वाड्रिसेप्स को, जो हमारे जांग के ऊपर चढ़ी हुई है घुटने के ऊपर, ठीक है, ये क्वाड्रिसेप्स मसल जो है चार पेशियों से मिलकर बना है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, यानी चार पेशियों से मिलकर बना है आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स। यह हमारे पैर को यानी घुटने को प्रसार करने में और हिप को मोड़ने में काम करता है। नेक्स्ट है ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय योग्यताओं को बताया गया है, तो इस सात प्रकार के बताया गया है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, जैसा कि इससे पहले प्रश्न में मैंने बता दिया है इसके बारे में। नेक्स्ट है फॉर्टलेक विधि का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों फॉर्टलेक विधि का दूसरा नाम स्पीड प्ले है, यह एंड्योरेंस को डेवलप करता है। नेक्स्ट है खेल औषधि विज्ञान से क्या समझते हैं, तो दोस्तों खेल औषधि विज्ञान का मतलब है कि खिलाड़ियों की क्षमता में सुधार लाने और उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए ही हम खेल औषधि विज्ञान का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल औषधि विज्ञान का क्या महत्व है, तो दोस्तों इसका महत्व है चोटों में कमी आती है इसके प्रयोग से,
खेलों की स्थिति में सुधार होता है, प्रशिक्षण विधि को खोजने का एक साधन है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पैराफीन स्नान, यानी कि जो मोम स्नान होता है ये किसमें सहायता करता है, तो अक्सर ये ज्वाइंट वाले जो ज्वाइंट पर लगे चोट होते हैं, जोड़ों की चोटों में ज़्यादा सहायता करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैराबैंगनी किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो दोस्तों यह सूर्य द्वारा उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है फीमर के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, जैसे कि हमारी जांघ की हड्डी फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि है, उसके बाद दूसरे स्थान पर टीबिया पैर की हड्डी है जो अंगूठे की तरफ से घुटने तक जाती है, उसके बाद तीसरे स्थान पर हमारा ह्यूमरस हो जाएगा, ऊपरी बाह की हड्डी। नेक्स्ट है चोट लगने के बाद पुनर्वास की क्या विधियाँ हैं, तो दोस्तों पुनर्वास की तीन विधियाँ हैं, एक करेक्टिव एक्सरसाइज, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, तीसरा चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा विधि। तो यहाँ पे तीनों विधियाँ दिया हुआ है, दवाइयों द्वारा उपचार, व्यायाम द्वारा उपचार, मनोवैज्ञानिक उपचार, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलों की चिकित्सा विधि निम्न है, तो खेलों की चिकित्सा जो फिजियोथेरेपी किया जाता है वह जल से भी किया जाता है, जल उपचार जिसको हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरो पैक यानी ठंडा गर्म पानी का प्रयोग करके इसमें किया जाता है, पैराफिन बाथ यानी मोम बाथ, उपयुक्त सभी विधियों से खेलों की चिकित्सा किया जाता है। नेक्स्ट है गामक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों खेल औषधि उपचार में कि तकनीकी में कि जल उपचार में, तो तकनीकी में जब हम खेल खेलते हैं तो अपना तकनीकी लगाते हैं, तकनीकी लगा करके नियंत्रण करते हैं, तो यहाँ गामक नियंत्रण हो जाएगा तकनीकी यानी टेक्निक। नेक्स्ट है बायोमैकेनिक्स पद का प्रयोग होता है, तो बायोमैकेनिक्स पद का प्रयोग किसमें होता है, खेल औषधि विज्ञान, यहाँ पे आपका तो खेल औषधि विज्ञान नहीं होगा, बायोमैकेनिक्स शब्द का प्रयोग भौतिक विज्ञान में होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। पोषण शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पोषण शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान में किया जाता है और खेल औषधि विज्ञान में किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क और ख दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्रिएशन शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह रिक्रिएशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, रिक्रिएशन यानी पुनः क्रिएट करना, पुनः निर्माण, रिक्रिएशन का अर्थ क्या है, री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, यानी रिक्रिएशन का अर्थ है मनोरंजन का अर्थ है पुनः निर्माण करना। नेक्स्ट है दोस्तों मनोरंजन का अर्थ है, अभी मैं जस्ट बताई मनोरंजन का अर्थ क्या है, पुनः निर्माण करना यानी पुनः शक्ति अर्जित करना, और अवकाश का समय बिताना, यहाँ पे आपका दोनों अर्थ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग और ग दोनों। नेक्स्ट है मनोरंजन के उदाहरण है, ऑप्शन है ड्रील, सेमिनार कार्यालय, सिनेमा देखना, तो ड्रील सेमिनार कार्यालय तो आप दूसरे की इच्छा अनुसार जाते हैं, बट यहाँ सिनेमा देखना आपका ज़्यादा उपयुक्त आंसर होगा, ये अपनी मर्जी से आप खाली समय का सदुपयोग करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे मनोरंजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेषताएँ हैं, तो दोस्तों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेषताएँ क्या है, वो सामाजिक रूप से स्वीकृत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कार्यक्रम आप आयोजित कर देंगे जो समाज को गलत प्रभाव डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, तो शारीरिक शिक्षा में जो मनोरंजन क्रियाएं होती हैं वो प्रयोग की जाती है, क्यों, प्रारंभिक खिलाड़ियों को नए कौशलों को सिखाने में सहायक होता है, स्वस्थ होने में सहायक होता है, क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है, यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का महत्व है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या महत्व है, समग्र विकास में सहायक है, शारीरिक विकास में सहायक है, सामाजिक विकास में सहायक है, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिक्रिएशन में री का क्या अर्थ है, तो री का अर्थ है पुनः, री का क्या अर्थ है पुनः,
यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्डलिक शब्द आया है। तो दोस्तों फॉर्डलिक शब्द कहाँ से आया है? यह एक स्वीडिश शब्द है, स्वीडन से आया है, जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले। इसमें बिना पूर्व निर्धारित से कोई कार्यक्रम क्रिया किया जाता है, अपने मन से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसीलिए उसको कहा गया है स्पीड प्ले। नेक्स्ट, फॉर्डलिक किस दूरी के धावकों में प्रयोग किया जाता है? तो ये अक्सर क्रॉस कंट्री आदि दूरी में किया जाता है। नेक्स्ट है, राज दरबार में मनोरंजन के क्या मुख्य साधन थे? तो राज दरबार में मनोरंजन का मुख्य साधन था उस समय नाचना। नेक्स्ट है, ग्रामीणों के मनोरंजन के क्या साधन थे? ऑप्शन है रामलीला और स्वांग, सिनेमा टीवी उस समय हुआ नहीं करता था, तो ग्रामीणों के मुख्य साधन थे आपका मनोरंजन का रामलीला एंड स्वांग। नेक्स्ट है, वैदिक काल में मनोरंजन के क्या साधन थे? तो वैदिक काल में मनोरंजन का साधन था घुड़सवारी और दौड़। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन किस प्रकार का मनोरंजन है? तो दोस्तों ओलंपिक खेल किसी एक व्यक्ति द्वारा तो होता नहीं है, तो यह समूह मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शक्ति का ह्रास होता है शारीरिक कार्य में, मानसिक कार्य में। तो दोस्तों शारीरिक कार्य करेंगे तो भी, मानसिक कार्य करेंगे तो भी आपकी शक्ति का ह्रास होगा, उसके लिए आपको पुनः भोजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 100 मीटर दौड़ के फाइनल में टाई पड़ जाए तो निर्णय क्या होगा? तो यहाँ पे निर्णय होगा दोनों को 45 मिनट के पश्चात की उपलब्धता पर दोबारा दौड़ाया जाएगा। दोनों को 45 मिनट पश्चात समय की उपलब्धता पर दोबारा दौड़ाया जाएगा जब फाइनल में टाई पड़ जाए 100 मीटर में। नेक्स्ट है, न्यूटन का खेलों के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो इन्होंने गति के नियम की खोज की और खेलों के क्षेत्र में बल उत्पन्न करना, बल का प्रयोग करना, दौड़ने में वेग परिवर्तन करना और क्रियाओं का कैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है, इन सभी चीज़ें खेल क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो न्यूटन का खेल के क्षेत्र में क्या है कि न्यूटन ने गति की नियम की खोज की। नेक्स्ट है, ड्वार्फिज में यानी बौना नामक रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह आपका होता है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन की कमी से। हमारे मास्टर ग्लैंड ही यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन्स जीएच, जिसे ग्रोथ हार्मोन के एसटीएच सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके कम स्त्राव से ड्वार्फिज में यानी बौना रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति का वृद्धि विकास नहीं हो पाता है, तो ग्रोथ हार्मोन को वृद्धि हार्मोन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेसिप्रोकल इनर्वेशन सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को दिया था रेसिप्रोकल इनर्वेशन को चार्ल्स सेरंगटन ने। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरल फेंक उपचार की विधि है। दोस्तों ये हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है, यह ठंडा और गर्म द्वारा होता है हाइड्रोक्लोरल फेंक, जैसे कि मैं चिकित्सा विधियों के अंतर्गत सभी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, कोल्ड स्प्रे उपचार की विधि है। जैसे कि आप जब कभी गिर जाते हैं या तुरंत चोट लगता है तो एक कोल्ड स्प्रे का प्रयोग करता है जिसमें मिथाइल और इथाइल एल्कोहल गैस होता है, तो मांसपेशियों के उपचार के लिए होता है। ठीक है, मांसपेशियों के उपचार के लिए होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, माधिका का सूत्र है। तो माधिका का सूत्र यहाँ पे इस ऑप्शनों में से कोई नहीं है। माधिका का सूत्र होता है आपका n प्लस 1/2 विषम के लिए और सम के लिए n अपान 2। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशतांक संबंधित है। तो प्रतिशतांक जो है वो प्राप्तांक से संबंधित है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो दोस्तों माध्य माधिका बहुलक मीन मीडियन मोड। मीर जो है माध्य जो है किसी चीज़ का औसत का पता लगाता है और माधिका जो है उसमें केंद्रीय मान का पता लगाता है कि मध्य मान कितना है उसका। अब बहुलक मतलब जो कोई चीज़ कितने बार उसका प्रयोग हुआ है। तो सर्वाधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्य यानी मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति वितरण को दो बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों ये होता है आपका माधिका यानी मीडियन जो दो बराबर भागों में बांटा जाता है यानी कि बीच के मान को निकाला जाता है इसमें। जैसे एक चार तीन दो छः तो यहाँ पे इस पर भी दो इस पर भी दो दो बराबर भागों में बांटा गया और बीच के मान क्या निकला आपका बीच का मान तीन निकला। ठीक है इस प्रकार मध्य का मान निकाला जाता है माधिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकृत आंकड़ों की माधिका ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माधिका ज्ञात करने के लिए यन प्लस वन अपान टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यदि कोई साबुन की औसत बिक्री जानना चाहता है तो वह कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रयोग करेगा। दोस्तों यहाँ औसत शब्द आया है तो मैंने बताया है कि औसत ज्ञात किया जाता है माध्य से। बीच के मान को बराबर भागों में दोनों तरफ बांट करके बीच के मान को केंद्रित मान को मध्य मान ज्ञात किया जाता है माधिका से। और वस्तु कितने बार आया कितने बार यूज हुआ वो बहुलक में ज्ञात किया जाता है। तो औसत शब्द आया है ये आपका माध्य हो जाएगा यानी मीड। नेक्स्ट है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो यह सूत्र प्रयोग किया जाता है तीन माधिका माइनस दो माध्य। नेक्स्ट है सबसे शुद्ध विचलन मान होता है। तो सबसे शुद्ध विचलन मान होता है प्रमाणिक विचलन। प्रमाणिक विचलन। नेक्स्ट है बीज के 50% किसके अंतर्गत प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पे आपका बीज के 50% माधिका में प्रयोग में आते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा उपेश में से कोई नहीं। नेक्स्ट है प्रमाणिक विचलन का मूल है। तो प्रमाणिक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन आपका ये ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतांश यानी शतांश 25 व शतांश 75 का उपयोग करते हैं। तो यह चतुर्थांश यानी चौथा भाग निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किस विचलन मान की गणना में सभी प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रमाणिक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन में किया जाता है। नेक्स्ट है सहसंबंध का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो स्पीयरमैन ने सबसे पहले सहसंबंध यानी कोरिलेशन का विचार दिया था। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति का वजन उसकी आयु के साथ बढ़ता है तो सहसंबंध क्या होगा। तो बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा। ठीक है नेक्स्ट है स्पीयरमैन सहसंबंध प्रयोग किया जाता है बड़े समूह में छोटे समूह में। तो दोनों में छोटे बड़े दोनों समूह में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आवृत्ति वितरण तालिका प्रयोग होती है। तो यह स्पीयरमैन के सहसंबंध कोरिलेशन सिद्धांत से होता है। नेक्स्ट है सहसंबंध विधि प्रयोग की जाती है। सहसंबंध विधि प्रयोग की जाती है यह दो चर दो समूह के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शून्य सहसंबंध दर्शाता है। शून्य सहसंबंध मतलब कोई सहसंबंध नहीं। अगर बढ़ रहा है तो धनात्मक घट रहा है तो ऋणात्मक और कोई सहसंबंध नहीं है तो यहाँ पे शून्य सहसंबंध होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर घटता है तो सहसंबंध क्या होगा। तो अंतिम चरण में आपके घटने की बात आया है तो ऋणात्मक होगा।
नेक्स्ट है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध प्रदर्शित कर किया जाता है। तो प्लस वन से पूर्ण धनात्मक, प्लस माइनस से, माइनस वन से पूर्ण ऋणात्मक और जीरो से शून्यात्मक। नेक्स्ट है स्पीयरमैन अंतर कोटि विधि के अंतर्गत सहसंबंध गुणांक प्रदर्शित किया जाता है। तो यह R से सहसंबंध कोरिलेशन को हमेशा R से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीयर, नेक्स्ट है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि प्रयोग की जाती है। तो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि जो है वह क्रमित आंकड़ों में, खंडित आंकड़े में, सतत आंकड़ों में, उपयुक्त सभी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेखीय सहसंबंध, लाइनर कोरिलेशन में। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रवृत्ति है। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रवृत्ति गुणात्मक और संख्यात्मक, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही होगा, उपयुक्त दोनों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रवृत्ति संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है मापन के कार्य हैं। मापन के क्या कार्य है दोस्तों? मापन के द्वारा हम किसी चीज का निदान करते हैं, खोज करते हैं, पुनर्कथन करते हैं। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति का भार मापा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का भार हम मापते हैं तो हमेशा किलोग्राम में मापते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति की लंबाई मापा जाता है। तो किसी की लंबाई मेजर करते हैं तो हमेशा किसने मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है दोस्तों माध्य को इंगित किया जाता है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपान एन। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके लिए 100 क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसमें ज़्यादातर स्टैटिक्स के क्वेश्चन थे जो आपको कहीं ना कहीं पता नहीं होगा, और तो दो चार क्वेश्चन इसके पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चन रट लेना होगा, इससे बाहर तो नहीं आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।